कांग्रेस खाली घोषणा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मादर चोद अखिलेश तुम हार गए, मादर चोद सवाई के बौरा आ गए हैं। जय श्री कृष्ण, मैं ओम यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतने के बाद भाजपाई सब के सब बौरा गए हैं और जिस बात की आशंका मुझे और आपको चुनाव परिणामों से पहले थी, वही काम करते हुए भाजपाई चुनाव परिणामों के बाद नजर आ रहे हैं। दोस्तों, चुनाव जीतने के बाद सोशल मीडिया के ऊपर भाजपा के समर्थकों की तमाम ऐसी वीडियोज वायरल हो रही हैं, हमें नजर आ रही हैं, जिसमें भाजपा के समर्थक अखिलेश यादव को गंदी गंदी माँ बहन की गालियां देते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, समस्त यादव समाज को भी वो लोग गंदी गंदी गाली देने का काम कर रहे हैं। इतना भी कहते तो भी हमें संतोष था, हम कहते चलो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसी वीडियोज भी हमारे सामने इन भाजपा के समर्थकों की आई है जिसमें ये लोग जय श्री राम का नारा लगाकर एक ही स्वर में जय श्री राम का नारा लगाते हैं और अखिलेश यादव की माँ बहन को गंदी गंदी गाली देने का काम करते हैं। मैं चाहता हूं कि दोस्तों सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए और ऐसी ही कुछ और वीडियोस भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो दोस्तों, इस वीडियोस में आप लोगों ने साफ साफ देखा कैसे ये भाजपा के समर्थित लोग अखिलेश यादव को मां बहन की गालियां दे रहे हैं और इसी के साथ साथ इसी वीडियो में जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, समस्त भाजपा के समर्थकों से पूछना चाहता हूं, हिंदू धर्म के लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप लोगों को जय श्री राम का नारा लगाकर किसी को मां बहन की गाली देने की आखिर जरूरत क्या है? आप लोग चुनाव जीते हैं, अच्छी बात है, आप लोग उसकी खुशी मनाइए, जो करना है वो कीजिए, बम पटाखे फोड़िए, आप अखिलेश यादव की बुराई कीजिए, आप उसकी नीतियों की बुराई कीजिए, समाजवादी पार्टी की बुराई कीजिए, गाली भी दे सकते हैं, आप लोग दे ही रहे हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन एक तरफ आप माँ बहन की गालियां दे रहे हैं और एक ही स्वर में जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि जब आप इस प्रकार की हरकत करते हैं तो आपको क्या लगता है, क्या इससे हिंदू धर्म का जो मान सम्मान है ये ऊंचा होता है या फिर नीचे गिरता है? मैं कहता हूं दोस्तों, इससे हमारे धर्म का नाम, खास तौर पर भगवान श्री राम का नाम नीचे गिरता है। क्योंकि अखिलेश यादव को आप माँ बहन की गालियां दे रहे हैं, आप यादव समाज को माँ बहन की गालियां दे रहे हैं और जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, तो जितने भी समाजवादी पार्टी के समर्थक होंगे, जितने भी यादव समाज के लोग होंगे या जो भी समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे किसी भी जाति के हों, उनके दिलों में भगवान राम के प्रति क्या इज्जत रह जाएगी? क्या वो लोग भगवान राम की इज्जत कर पाएंगे? और जब ये वीडियो दुनिया की नज़रों में जाएंगे तो दुनिया के लोग आखिर क्या सोचेंगे? वो लोग तो यही सोचेंगे कि जो राम का समर्थक है वो इस प्रकार की आतंकवादी वाला काम करता है, जो राम का समर्थक है वो इस प्रकार से गंदी गंदी हरकतें करता है। दोस्तों, इसके अलावा एक और वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। इस वीडियो में कोई लड़का है जो कि अखिलेश यादव को गाली दे रहा है और यादव समाज के लोगों को भी ये गंदी गंदी गाली दे रहा है, जिसके बाद यादव समाज के लोगों ने इसे ढूंढ निकाला और ढूंढने के बाद इसकी कुटाई की, जिसके बाद ये माफी मांगता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले आप वो वीडियो देखिए। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। मादर चोद अखिलेश तुम हार गए, मादर चोद सब आहिर के बौरा आ गए हैं। हाय मादर चोद, तुम्हारी माँ का भोसड़ा, हार गए हो तो। भैया अखिलेश, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम गलती में बोल दिए, हमको डर लग रहा है, बचा लीजिए आप लोग। माफ कर दीजिए, आप नहीं करेंगे ऐसा, लास्ट बार है, प्लीज माफ कर दीजिए। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में भी आप लोगों ने साफ साफ देखा कि कैसे एक शख्स
पहले यादव समाज को, अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को गालियां देता है, उसके बाद जब यादव समाज के लोग इसे पकड़ लेते हैं तो माफी मांगने का काम करता है, माफी मांगता हुआ नजर आता है। मैं एक ही बात इस प्रकार के लोगों से कह देना चाहता हूं कि बेटा तुम्हारी सरकार बनी है, तुम्हारी सिर्फ सरकार बनी है और तुम्हें यह लग रहा है कि यादव सत्ता से बाहर हो गए हैं, तो मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि भले ही हम लोग सत्ता से बाहर हो गए हों, सिर्फ यादव ही नहीं, समाजवादी पार्टी सत्ता से बाहर हो गई हो, लेकिन पावर अभी भी कम नहीं हुई है, पावर हमारी अभी भी वही है। और औकात में रहो, ज़्यादा हवा में उड़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि जिस योगी आदित्यनाथ के बल पर और जिस योगी आदित्यनाथ के लिए तुम इस प्रकार की गालियां का इस्तेमाल कर रहे हो, जब तुम्हारी कुटाई होगी, जब तुम्हारी पिटाई होगी या जब तुम जेल में जाओगे, तो योगी आदित्यनाथ तुम्हें बचाने नहीं आएगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने तुम्हें नहीं कहा है कि तुम लोग इस प्रकार से वीडियो बनाकर किसी समाज को या अखिलेश यादव को या किसी को भी तुम गालियां दो। तो ज़्यादा हवा में उड़ने की कोशिश मत करो और यादव समाज का इम्तिहान मत लो। यादव समाज के लोग पहले भी ताकतवर थे, आज भी ताकतवर हैं और कल भी ताकतवर रहेंगे। सत्ता आनी जानी लगी रहती है, आज तुम लोग सत्ता में आए हो, कल कोई और सत्ता में आएगा, परसों कोई और आएगा। इसीलिए जीत हुई है, उस जीत का स्वागत करते हैं, जीत की आप लोग खुशी मनाइए, लड्डू पेड़े जो बांटने हो वो बांटिए और इस सरकार में अच्छी नौकरी पाइए, अपना घर चलाइए, ठीक से रहिए, बिजनेस कीजिए, लेकिन इस प्रकार की हरकतें करने का काम मत कीजिए, क्योंकि यादव समाज के लोग चाहे सरकार हो चाहे सरकार ना हो, कुटाई एकदम वैसे ही करते हैं जैसे सरकार रहते वक्त करते हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बताना चाह रहा था कि जिन लोगों के दिमाग में गलत फहमी हो चुकी है कि समाजवादी पार्टी की सरकार हार चुकी है, अब हमारे मन में जो आएगा हम वो करेंगे, हम यादवों को गालियां देंगे, समाजवादी पार्टी के लोगों को गालियां देंगे, तो आप लोगों की ये गलत फहमी है। यादव समाज के लोगों का तुम कल भी कुछ नहीं बिगाड़ पाए थे, आज भी कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे और आने वाले समय में भी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। और यादव समाज के लोगों से कहना चाहूँगा कि सरकार गई है, हौसला नहीं गया है, निराश होने की ज़रूरत नहीं है, निराश मत होइए, अपने समाज के ऊपर काम कीजिए, अपनी शिक्षा के ऊपर ध्यान दीजिए, पढ़ाई लिखाई कीजिए, अच्छी नौकरी कीजिए, अच्छा बिजनेस कीजिए और एक दूसरे की, खास तौर पर अपने समाज के एक दूसरे की मदद ज़रूर करने का काम कीजिए। किसी भी यादव को आप अकेला मत छोड़िए, चाहे वो आपकी विचारधारा का हो चाहे वो आपकी विचारधारा का ना हो। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मुलाकात करता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय श्री कृष्ण।